उत्तर प्रदेश की फरुखाबाद पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसने एक बार फिर वर्दी की आड़ में एक बुजुर्ग को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। यहां पुलिस ने तथ्यों की अनदेखी कर बुजुर्ग पिता को 3 साल तक सलाखों के पीछे भेज दिया। बुजुर्ग पीड़ित पिता के जेल में बंद होने की जानकारी जब तथाकथित मृतक बेटी को पता चली, जब कागजों में मृत बेटी पुलिस अधीक्षक के सामने पहुंची, तब कहीं जाकर पुलिस की इस अनोखी कार्रवाई से पर्दा उठ सका। मामला थाना मेरापुर के गांव देवसैनी का है, जहां सन 2016 में यहां के रहने वाले 61 वर्षीय लालाराम की बेटी सोनी अचानक गायब हो गई। परेशान पिता अपनी बेटी को खोजने के लिए हर दरवाजे चौखट तक गया। पुलिस थाने और चौकियों के चक्कर काटता रहा, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार खाकी ने एक ऐसी दास्तान लिख दी कि गायब बेटी का पिता ही जेल पहुँच गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पिता ने गांव के ही ओंकार अजब सिंह, बिशन दयाल संतोष और संतोष देवी पर संदेह जाहिर करते हुए लिखित तहरीर वर्ष 2016 में दी थी, लेकिन पुलिस ने उल्टा पिता को ही जबरन आरोपी बनाकर बेटी की हत्या के आरोप में धारा 302 के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार और SI मोहम्मद आसिफ को सौंप दी। दोनों पुलिस कर्मियों ने विधि व्यवस्थाओं को ताक पर रखते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें बताया गया कि सोनी की हत्या हो गई है और उसका पिता लालाराम ही उसका हत्यारा है। लालाराम अपनी बेटी के कत्ल में निरपराध होते हुए भी 3 सालों तक जेल में रहा। जब कुछ समय के बाद बेटी को मालूम पड़ा कि उसके पिता जेल में हैं, तो वो पुलिस के पास गई और खुद को जिंदा साबित करते हुए अपनी मर्जी से घर छोड़ने की बात कबूली। इसी के साथ ही सोनी ने अपने पिता पर लगा झूठा मुकदमा हटाने की पुलिस से गुहार लगाई। बेटी ने पिता पर लगे आरोपों को जब जिले के पुलिस अधीक्षक के सामने साबित किया और उसने कहा कि वो मुर्दा नहीं जिंदा है और अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, तब कहीं जाकर कोर्ट ने जेल में बंद पीड़ित को रिहा किया। 26 मई 2020 को सोनी ने SP के सामने प्रमाण पत्र और शपथ पत्र देकर खुद को जीवित बताया। चाचा, नाम क्या है आपका? लालाराम। आप बता रहे जेल से अभी रिहा हुए हैं थोड़े दिन पहले, क्या मामला था, क्यों जेल जाना पड़ा आपको? जेल में मैं जैसे पुलिस ने हमने कोर्ट में रिपोर्ट कर, शुरुआत मामला क्या हुआ था वो बताओ। लड़की क्या हो गया? लड़की है हमारी, लड़की हमारी संतोषा देवी, बुलाए नहीं यहाँ गाँव की। हाँ, जैसे हम आए पहले बुलाए नहीं, हम आए साथ समझा, तो मैं बताई हमारी दरबार ऐसे संतोषा देवी बुला ली लड़की को। लड़की क्या नाम था लड़की का? सोनम सोनी। बुलाई ली फिर हमने कही, फिर थाने गई, थाने में आई रिपोर्ट नहीं लिखी। क्या कह दिया थाने? थाने जा गई, नया रिपोर्ट नया कहा लिखी। फिर हमने कोर्ट में रिपोर्ट करी, कोर्ट में रिपोर्ट करी, बामाई फिर इंक्वायरी करके आई, थाने में गई, नया सुनवाई करी, उनको नहीं ना मुकदमा हमारे ऊपर लाद दो। तुम्हारे ऊपर लगा दिया? हमारे ऊपर। क्या मुकदमा लिख दिया? नहीं, मारी लड़की को, मार दिया। मार दिया फिर मारे मारे कब भाई? आपको मारा था ने? कितने दिन तक, कितनी देर तक मारा था? मारो कम से कम मारो तो 2-2.5 घंटा हमारे सब 5 हो जाए थे। पर हम काय से मारा था? लाठी डंडा था, लड़ी डंडा से। तो क्या आपसे कबूल करवाया था? जा गई कान दिया, लड़की कहाँ है हमें पता ही ना है, जैसे बुला ली कि फिर वहाँ लगे फिर मारो, फिर जोरा भरी हम पे कब्बाई। क्या कब्बाई? जा कही का 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 जा कही कान की लड़की मार डारी जे कहलवाया। मार के फिर कहाँ फेंकी ये भी कुछ बोला? मार के कहाँ फेंकी ये भी कुछ पूछा था? हाँ, जा कही नदी में फेंकी जे बोल दो। फिर उसके बाद जेल भेज दिया? जेल भेज दो, मैं जेल भेज दो, जेल भेज दो। कितने साल तक जेल रहे आप? हाँ, 3 साल तो ऊपर है, 3 साल तो ऊपर है। फिर कैसे जेल से बाहर कैसे निकले आप? जजमेंट वो, जजमेंट में छूटे, जजमेंट में छूट गए आप। अब लड़की कहाँ है, लड़की कुछ पता चला? लड़की है, उसने लड़की ने अपनी बात कही आके कि हम जीवित हैं? कहाँ कही थी आगे उसने? लड़की ने कहाँ कही थी आगे वो जीवित है? उसने कहाँ, SP के यहाँ मिलने गई थी, कहाँ गई थी लड़की? कहाँ आके उसने कहाँ आके बताया था वो जीवित है? लड़की आपकी कहाँ आई थी पहले, घर आई थी या और कहीं प्रशासनिक अधिकारी के पास गई थी? घर
लड़की आपकी तब आप छूट पाए बाद पता चलो मुकदमा पहले छूट मुकदमा पहले ही छूट गया था साक्ष के अभाव में। अच्छा उसके बाद आपकी बेटी आ पाई बाद पता चलो तो अब जीवित है आपकी बात हो गई बेटी से बेटी से बात होती है आपकी जीवित है देख लिया आपने सबने देख लिया फिर आपने इनको किसी को बताया पुलिस अधिकारी को हमें 3 साल तक जेल रखा कहीं एसपी से मुलाकात करी या डीएम से जिला में मुकदमा किया है पुलिस के ऊपर कब किया वकील साहब देखिए लाला राम है थाना क्षेत्र मीरापुर के देवश्री ग्राम के तो इन्हें पुलिस ने किस मामले में झूठा जेल भेज दिया था पूरा क्या मामला इनका उसकी बेटी का अपहरण किया था ओंकार जवर सिंह संतोष और संतोष देवी ने अपहरण किया था जी इसकी रिपोर्ट उसने की विवेचना के दौरान विवेचक ने उसी का एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन करा लिया और उसे मुजरिम बना दी हमने उसकी हत्या कर वादी को मुजरिम बना दिया हाँ वादी को ही मुजरिम बना दिया और ये बता दिया कि मैंने काली नदी में लड़की को मार के फेंक दिया है वो चरित्रहीन थी इस बार गए हुए फेंक दिया इसके बाद उसको चालान कर दिया ये दिसंबर 16 में चालान कर दिया और इसके बाद जो है वो जेल में रहा लगातार हाईकोर्ट से भी बेल खारिज हो गई जी इसके बाद ट्रायल किया जी ट्रायल में सारे फैक्ट्स हमने निकाले निकालने के बाद अदालत ने उसे दोष मुक्त किया और दोष मुक्त किया उसे 16 जनवरी 2020 को जी तो 16 दिसंबर 2016 से और जनवरी 2020 तक जी वो लगातार जेल में रहा बेल हाईकोर्ट से भी खारिज हुई इसके बाद इसके विवेचक थे एसआई मोहम्मद आरिफ और इंस्पेक्टर सुशील कुमार जी इन लोगों ने मुजरिमों को लाभ पहुंचाने के लिए कूट रचित रिकॉर्ड तैयार किया और उसको 300 मुजरिम बनाया जी इसके और जबकि लड़की वो जीवित थी जी लड़की सोनी जीवित थी उसको इन लोगों ने गायब कर दिया था वो लड़की किसी तरह से किसी शरण में जाकर के उसी के पास रहने लगी थी जी जब उसे पता लगा कि पिताजी हमारे ऐसे करके जेल में है तब वो एसपी के पास आई एसपी को एप्लीकेशन दी एफिडेविट दिया कि कार्रवाई की जाए इन लोगों के खिलाफ नहीं हुई तब लाला राम ने लड़की को न्यायालय में पेश किया और 156 दिन प्रार्थना पत्र दिया उस 56 दिन प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय ने उन चारों को जवर सिंह ओंकार वगैरह और दोनों इंस्पेक्टरों को तलब किया है उनके खिलाफ FIR का आदेश किया है और इसको नाजायज रूप से 3.5 साल तक वो जेल काटा पुलिस की कूट रचित जो दस्तावेज तैयार किए उसके हिसाब से उनको जेल जाना पड़ा और इतनी जेल काटनी पड़ी और कुछ थैंक यू।